आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें जो क्वेश्चन है पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, मतलब नीचे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही है हमें वो बताना होगा। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रोम्बिक सल्फर रूम टेम्परेचर में स्टेबल है। दूसरा ऑप्शन है, मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मोनोक्लिनिक सल्फर रूम टेम्परेचर में स्टेबल है। तीसरा क्या है, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला S8, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कह रहा है कि वो S8 है। जो फोर्थ ऑप्शन, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, ये ऑप्शन गिवन है। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बीच में क्या है कि सल्फर का मेनली दो एलेट्रोप रहता है। एलेट्रोप यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अंतर रहता है। तो सल्फर का मेनली दो जो रहता है, एक है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, एलोट्रोप है ये दोनों ही सल्फर का, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। अब देखिए, एलोट्रोप है तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है S8। हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जो रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों का स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF0। रोम्बिक सल्फर के लिए वो जीरो होता है एंड मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए डेल्टा HF0 जो है वो ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होता है। अब स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, जिसका HF0 जितना छोटा होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो इस हिसाब से जो स्टेबल है वो है रोम्बिक सल्फर, सो रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर और सॉल्युबल कार्बन डाइसल्फाइड, हाँ ये बात सही है क्योंकि सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में सबसे अच्छे से सॉल्युबल होता है क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन ए, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिड, ये भी सही है, ए सी, फोर्थ ऑप्शन, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर इज ए सी डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।